आप देख रहे हैं एम टीवी न्यूज, उद्देश्य सच दिखाने का। आ भैया आ गए। आ रहे भाई। नमस्कार, एमटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आज जो मंगोलपुरी दिल्ली में घटना हुई है, जो एक निहत्थे व्यक्ति को 30 लोगों ने मार डाला है और ऐसे चाकुओं से गोद के मारा है, उसी विषय में यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला गया है। और कैंडल मार्च में समन्वय समिति हत्या रोको, रिंकू की हत्या रोको। कानपुर हिंदू समन्वय समिति के महानगर अध्यक्ष कुंवर ब्रजराज सिंह ने ये कैंडल मार्च निकाला। ये बजरंग चौराहे से लेकर के सैनिक चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला गया और वहां श्रद्धांजलि अर्पित की। आइए बात करते हैं उनका परिचय। सर, मैं कुंवर ब्रजराज सिंह राजावत, हिंदू समन्वय समिति का महानगर अध्यक्ष। आज का ये क्या कार्यक्रम था? आज का ये कार्यक्रम दिल्ली राज्य में जो मंगोलपुरी के अंतर्गत एक रिंकू शर्मा नामक एक हिंदूवादी लड़के की हत्या निर्मम तरीके से की गई, उसके विरोध में और उसकी आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च का आयोजन किया गया था। तो जिस एरिया में ये घटना हुई है, क्या वहाँ हिंदू नहीं थे? उन्होंने क्यों नहीं बचाया? वह एक मिश्रित आबादी का क्षेत्र है और मिश्रित आबादी के क्षेत्र में दिल्ली की केजरीवाल जो कि एक नपुंसक सरकार है, जो कि शुद्ध रूप से मुसलमानों के खुली समर्थक है, ऐसी सरकारों के समर्थन में जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये अत्यंत ही निंदनीय है। और यदि इनके ऊपर किसी तरह के कड़े प्रावधान बनाते हुए हमारी केंद्र सरकार कोई उचित कदम नहीं उठाती है, तो वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अगर ऐसी घटना यहाँ हो जाए तो आप क्या करेंगे? यदि ऐसी घटना यहाँ पर होती है तो इसका सीधा संदेश है कि हमारी योगी सरकार भी पूरी तरह फेल हो रही है। हम लोग उसमें खड़े होकर सीधी तरह से जो भी कर रहे हैं उनको बीच रोड पे काट के फेंक देंगे। जो भी कर रहे हैं उनको बीच रोड पे काट के फेंक देंगे।